हेलो फ्रेंड्स, एजुकेटेड इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछले वीडियो पे आपको बताया था कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 पर बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, तो हम शुरू करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। दोस्तों, इसमें तीन संशोधन हुए हैं जो कि 2014 में, 2015-16 और 2018 में अभी लेटेस्ट हुआ था। इन संशोधनों को भी हम इसमें मेंशन किए हुए हैं और उन पर बेस्ड जो नवीनतम क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार के प्रीलिम्स में, हम उनको भी करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 कब लागू किया गया था। यह विधेयक जस्ट पिछले साल का ही है, जिस पर बहुत बवाल भी हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि इसमें एक प्रावधान है जिसमें जो इसके इसकी जो धारा है 18, उसमें यह प्रावधान है कि इसमें जब कोई व्यक्ति FIR करता है तो क्या होता है कि उसको जब कोई व्यक्ति इसके तहत FIR किया तो जो अभियुक्त होता है आरोपी, उसको क्या है कि पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और सीधा गिरफ्तार होता है, और इसमें जो जमानत है वो भी नहीं मिलता है, पूर्व जमानत वो भी नहीं मिलता है। तो क्या इसमें क्या प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक आदेश जारी किया जिसमें ये बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति जो SC ST का है उस पर अगर कोई अत्याचार हुआ है तो अगर वो FIR कराता है फर्स्ट, है ना, तो क्या करना है कि प्रारंभिक जाँच करनी है। तो प्रारंभिक जांच की ज़रूरत होती है, तो प्रारंभिक जांच की ज़रूरत को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, और इसको क्या क्या है कि संसद ने इस जांच को ख़त्म करने के लिए एक संशोधन किया जो कि इस अधिनियम की जो धारा है 18 क में यह जोड़ा गया कि इसके अंदर जो है प्राथमिकी जो जाँच है उसकी ज़रूरत नहीं चाहिए या उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस बाबत जो है कि इसमें संशोधन किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि 6 अगस्त 2018 को इसमें क्या हुआ था कि यह विधेयक संसद में पेश होता है, पहले तो लोकसभा में पेश किया गया था, तो लोकसभा में यह संशोधन पास हुआ था। यह कब हुआ था? 6 अगस्त 2018 को। 9 अगस्त 2018 में क्या हुआ था? लोकसभा के बाद विधेयक पास होने के बाद जाता है राज्यसभा में, तो कहाँ पास हुआ था? राज्यसभा में। ठीक, अब 17 अगस्त को लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद विधेयक पे क्या होता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तो जो विधेयक है वो बन जाता है अधिनियम, है ना। तो इस पे क्या हुआ, 17 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और यह विधेयक अधिनियम बन गया। अब इसको लागू करने की बात है, इसको लागू किया गया 20 अगस्त 2018 को। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो निरस्त हो गया, और जैसे पहली व्यवस्था थी जैसा कि प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं थी वैसा ही प्रावधान कर किया गया और एक अलग से धारा जोड़ी गई 18 क। हम जब धारा वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम बताएंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह इसका डिटेल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015, जस्ट 2018 के पहले वाला जो संशोधन है उसके तहत उसका जो प्रावधान है वह किस सिद्धांत पर आधारित है, है ना। उसमें क्या है कि एक सिद्धांत बताया गया था, संशोधन की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी थी क्योंकि उसमें कुछ पद जो है परिभाषित नहीं थे, तो परिभाषित न होने की वजह से जब न्यायालय कुछ फैसला सुनाती थी या इस केस की सुनवाई करती थी तो उसको कुछ दुविधाओं का सामना करना पड़ता था। तो इसमें जो अध्याय 2 है उसमें जो परिभाषाएं हैं तो उनमें जैसे विभिन्न पद होते हैं जैसे आश्रित, पीड़ित, साक्षी, इन सबको जो परिभाषाएँ हैं उनको अच्छे से परिभाषित किया गया है ना। तो परिभाषाओं को परिभाषित करके और जो भी उनमें विभेद होता था उनके सुरक्षा में, सुविधा में, सेफ्टी में, तो उसको अच्छा से वो न्याय सुनिश्चित हो पाए उनके लिए, इस सिद्धांत पर आधारित था। तो इसका आंसर होगा C, है ना।
ये बाकी ऑप्शन आप थोड़ा कंफ्यूजिंग के लिए आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका डिटेल्स है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान की किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ऐसा बताया था, और आप देखेंगे तो, नहीं तो इसमें भी एक्सप्लेन करते हैं हम। इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342, है ना। इसमें जो भी ऑप्शन है वो उनका भी अपना एक महत्व है, हम उनको भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और जो आंसर है हम जब डिस्क्राइब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342, ये संविधान के जो अनुच्छेद है इसके तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति, है ना, अपने संविधान का सर्वोच्च पद माना गया है, तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध कर सकते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति की सूचियों में किसी भी जाति को सूचीबद्ध करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, ऐसा इसमें प्रावधान है। ठीक है, अब अनुच्छेद 366-24 और अनुच्छेद 366-25, इसमें क्या प्रावधान है? इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जाति को इसमें परिभाषित किया गया 366-24 में, और अनुसूचित जनजाति शब्द को 366-25 में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था छुआछूत पे जो बेस्ड था वह था कि सिविल अधिकार संरचना अधिनियम 1955 से संबंधित जो भी था, तो उसमें एक जैसे शब्द आया था छुआछूत। SC/ST में भी ऐसे ही कुछ उन इस पे बेस्ड उनको सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, तो जैसे शब्द है छुआछूत, है ना, तो छुआछूत पे जैसे क्वेश्चन आता है तो छुआछूत को अपने संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, इस बात को आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ बस, है ना। छुआछूत शब्द कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी बाद में इसको थोड़ा बहुत परिभाषित किया था, लेकिन लिखित रूप से जैसे संविधान में प्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338-A, इसके बारे में हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 338 क्या बोलता है कि एक संविधान संशोधन हुआ था 65वां, है ना, 65वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1990 में। इसके तहत क्या हुआ था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी, उनका गठन हुआ था। यह कब हुआ था? 1990 में, और इस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, है ना। तो और उसको किस में जोड़ा गया था? संविधान के, संविधान के 338 में जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन बाद में हुआ ये कि जैसे SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ये दोनों एक साथ थे, लेकिन अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग करने की आवश्यकता पड़ी, तो उसके लिए पुनः एक संशोधन किया गया। वह संशोधन था 89वां संविधान संशोधन, है ना। इसी के साथ साथ आपका संविधान भी थोड़ा रिवाइज हो जा रहा है। तो यह संविधान हुआ था सन 2003 में, संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था? अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसको अलग करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338-A में जोड़ा गया। ठीक है ना, तो ये इस तरह से है। अब अनुच्छेद 330 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 330 में यह प्रावधान है कि लोकसभा में, आपको पता होगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, इनके लिए कुछ जो सीट है, स्थान है, वह आरक्षित है ना। तो इनकी जो सीटें आरक्षित हैं, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 330 में। और कितना आरक्षण है? अनुसूचित जाति का लिए जो सीटों के आरक्षण है वह 84 है ना, 84 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आरक्षण है? लोकसभा में 47 सीटों का आरक्षण है।
यह क्वेश्चन पिछले बार के MPPSC प्रीलिम्स में आया था, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी आरक्षित है ना। तो ये चीज़ें आपकी जानकारी के लिए है, तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑब्वियसली किस में इनको परिभाषित किया गया है, 366-24 और 366-25, इसमें अनुसूचित जाति और इसमें अनुसूचित जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ था, ठीक है ना। यह क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि लागू हुआ था की बात कर रहा है। लागू होने का मतलब यही है कि जब केंद्र सरकार जो है शासकीय राजपत्र में जब इस योजना को जारी करता है तो तब से वह अधिनियम लागू माना जाता है। यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 को क्या हुआ था, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था, ठीक है ना। यानी कि विधेयक से अधिनियम बना था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए थे। ग्यारह सितंबर 1989 में, और लागू कब हुआ, 30 जनवरी 1990 को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ये बाकी ऑप्शन है तो कन्फ्यूजिंग है, आपको एग्जाम में भी इस तरह से कन्फ्यूजिंग ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसकी डिटेलिंग से आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का संख्यांक कितना है, ठीक है। संख्यांक को मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अभी बताता हूँ कि ये अधिनियम जैसे 1989 है, ठीक है ना। तो 1989 में जितने भी विधेयक संसद में पेश किए गए होंगे, है ना, उन विधेयकों में इसकी संख्या कौन सी थी, ठीक है ना, उसको बोलेंगे संख्यांक। तो इस अधिनियम का संख्यांक कितना है, इस अधिनियम का संख्यांक जैसे इन ऑप्शनों में पहला ऑप्शन 23 है, तो 23 जो है इस अधिनियम में अध्यायों की संख्या है, ठीक ना, सॉरी अध्याय नहीं है, उसके धाराओं की संख्या है, ठीक ना, अध्याय तो 5 हैं, तो धाराओं की संख्या है। और 33 इसका संख्यांक है, ठीक है। और जो ये 22 है, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है उसके संख्यांक की संख्या 22 है, ठीक है। और ये जो 43 है ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का संख्यांक की संख्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, इसका संख्यांक कितना होगा, 33, ठीक है। ओके, इसका डिटेल्स ये है, जैसे आपको बताया वही सब डिटेल्स है, लेकिन आपको नोट डाउन करने के लिए ये है ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, इस अधिनियम में कितने नियम हैं और यह कब से लागू किए गए थे। इसके नियमों पे बेस्ड वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन पिछले बार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया था नियम पे बेस्ड, है ना, फिर भी हमको जानना ये ज़रूरी है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, 17 नियम और ये मार्च 1995, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। फिर भी आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें 18 नियम हैं, ठीक है ना, और नियम 31 मार्च 1995 को लागू किए गए थे, है ना। अब क्या है कि नियम बनाने की शक्ति जो है, जैसे कि अब जब इसके धाराओं के बारे में हम जब पढ़ेंगे, तो इसकी एक धारा है 23, है ना। धारा 23 में क्या है, केंद्र सरकार को, किसको,
केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को शक्ति बनाने के लिए, इस पर नियम बनाने के लिए शक्ति है, है ना। तो धारा 23 इस अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों को प्रयोग करके केंद्र सरकार ने नियम बनाया। नियम कब बनाया? 1995 में, ठीक है। और इस नियम को लागू कब किया? 31 मार्च। और नियमों की संख्या कितनी है? 18 है। इसमें कुल नियम कितने हैं? 18 हैं, ठीक है। तो ये बस आपको जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन MPBSC कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है इसके बारे में क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कितनी धाराएं हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जैसे हम डिस्कस किए थे, इसमें धाराओं की संख्या कितनी है बता दिए थे, तो फिर भी आपको तो याद हो गया होगा। इसमें धाराएं जो हैं 23 हैं, ठीक है। अंतिम धारा है जिसमें वही केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है ना। और इसमें जो धारा ये ऑप्शन दिए हुए हैं 33 है, 43 है, ये जो 17 है इसको एक एक्ट जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, उसमें धाराओं की संख्या 17 है, ठीक है ना। और ये जो 33 है यह इस अधिनियम का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 इसका संख्यांक है ना। और धाराएं इसमें कितनी हैं? 23 हैं। और जो 43 है, ये जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, उनमें धाराओं की संख्या 43 है। अब 43 जो है उसमें संख्यांक भी वही हैं और धाराएं भी वही हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ उनका भी रिविजन हो जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पूछा है धाराएं ना, तो धाराओं का कितनी है? 23, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डिटेल्स है इसका, नोट डाउन कर सकते हैं, इसे बार बार बता रहा हूँ फिर भी आपको याद हो जाएगा, नोट डाउन करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कितने अध्याय हैं, है ना। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ओके, इसमें क्या है, अध्याय कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। इसमें जो ऑप्शन है, इनमें सीधा सीधा बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा इसमें अध्याय कितने हैं, 5, ठीक है। ये जो 7 है ऑप्शन, इसको इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है उसमें अध्यायों की संख्या 7 है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इसका वैसे आंसर क्या है, 5 है ना। इसमें अध्याय 5 हैं, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अध्याय में क्या है, इसमें बेसिकली क्या है, प्रारंभिकी के बारे में देते हैं। जैसे कोई भी अधिनियम होता है तो उसके जो संक्षिप्त नाम है उसका विस्तार क्या है, उसका प्रारंभ क्या है ना, कब हुआ था, और थोड़ा बहुत उसमें परिभाषाएं जो हैं वो है, तो यानी कि प्रारंभिकी है ना। प्रारंभिक के बारे में, ठीक है। और जो अध्याय 2 है उसमें किसके बारे में बताया गया है, अत्याचार के अपराध, ठीक है ना। अत्याचार के अपराध में मतलब कौन कौन से अत्याचार के अपराध होते हैं, उनके लिए क्या क्या दंड होता है, ठीक है, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। अत्याचार के अपराध, ठीक है। अध्याय 3 जो है इसमें बताया गया है निष्कासन के बारे में। निष्कासन मतलब ऐसा कि जैसे कोई दोषी बार बार पाया जाता है या फिर किसी पे शक है कि ऐसा कोई अपराध कर सकता है, तो उसको एक पर्टिकुलर क्षेत्र से जहाँ पे संभावना रहती है कि अपराध करे, वहाँ से कुछ दूर उसको भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो यह निष्कासन इसके तहत दिया गया है ना। जब हम धाराओं पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो इनको बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। और अध्याय 4 जो है इसमें विशेष न्यायालय के बारे में बताया गया है, ठीक है। विशेष न्यायालय और जो इसमें
जो लोक अभियोजक होते हैं, वकील, सरकारी वकील, और जो प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश होते हैं, उनके बारे में है, वो आगे क्लियर करेंगे हम इसको। और इसी के साथ है कि चार क, है ना, चार क में क्या है कि जो पीड़ित और साक्षी हैं उनके कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है ना। पीड़ित और साक्षी, साक्षी जैसे गवाह, अब क्या है कोई गवाही देता है तो उसके जान की बहुत खतरा रहता है और उसको लोग डराते धमकाते भी हैं और अपने गवाह वापस लेने के लिए भी गवाही बोलते हैं, तो उसके उसको जो सुरक्षा मिलनी चाहिए और सुरक्षा संबंधित तो उसके जो अधिकार हैं तो वह इस पे बताया गया है, ठीक है। 21 में है, चार क में, ये भी एक अध्याय का उपाध्याय है, ठीक है ना। और ये 5 में क्या है, इसमें प्रकृत मिसेलेनियस आते हैं। मिसेलेनियस में वही आएगा जो लास्ट वाले जो उसमें धाराएं हैं वो आएंगी, जिनमें नियम उपबंध जो भी हैं उसके बारे में भी हम करेंगे बाद में, इनके बारे में बताया गया है। ये टोटल 23 तक जाएंगे, कितने कितने तक हैं हम जब धाराओं पे बेस्ड अगले वीडियो में करेंगे ना तो ज़्यादा डिटेल्स करेंगे, ठीक है। ओके, बेसिकली हम इतना जान लिए कौन कौन सी अध्याय हैं और उन अध्यायों में किसके किसके बारे में हैं, ठीक है। फिर भी हम एक बार आपको कंफर्म करा देते हैं कि जो धारा 1 से लेकर के 2, ठीक है ना, ये कौन से अध्याय में है। अध्याय 1 में, ठीक है। और धारा 3 से लेकर के धारा 9 तक, ये क्या है, अध्याय 2 में है, ठीक है। और धारा 10 से लेकर के 13 तक, ठीक है ना, ये किस में है, अध्याय 3 में है। और अध्याय 4 में जो है 14 से लेकर के 15 क तक, है ना, ये है अध्याय 4 में, ठीक है। और 14 क में भी इसमें इसी के अंतर्गत कुछ आ जाएंगे जो भी है, 4 क है इसी के अंतर्गत ये आ जाएंगे। और बाकी जो बचते हैं 16 से 23 तक ये आएंगे अध्याय 5 में, ठीक है। इतना जानकारी अभी पर्याप्त है, अगले क्वेश्चंस में हम जो है धाराओं के बारे में डिटेल्स में करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका डिटेल्स है, आप जैसा जैसा बताया वैसे ही तो है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।